साइन बोर्ड कितने में लाऊं? अरे अरे गाइस हाफर्ट, अरे बच गया भाई। सो हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम फिर से आ गए हैं माइनक्राफ्ट में। तो गाइस जैसे कि आपको पिछली वाली वीडियो में याद ही होगा, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने पिछली वाली वीडियो में बनाया था विलेजर हाउस, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ हमने बनाया था विलेजर हाउस, और इसके अंदर तो विलेजर्स भी है और अरे एक बच्चा था वो बड़ा भी हो चुका है अब। तो अब देखते हैं आज का गोल बता। हेलो भाई शिवम। हाँ भाई। हाँ आज बता, आज क्या करने वाले हम इस वीडियो में? आज भाई देख, अब हमारे पास विलेजर है जैसा कि, और तूने बताया कि हमने, गाइस आपको जैसा कि लास्ट एपिसोड जिसने नहीं देखा जाके देख लो, तो हमने बोला था कि हमने ये स्टेयर्स नहीं लगाई थी, तो हमने अब ये स्टेयर्स भी लगा दी है। और ऊपर से हमने ना कुछ ग्लासेस भी, जैसा कि हमने बोले था कि रूफ हम ग्लासेस की बनाएंगे, तो हमने देखो पूरी रूफ ग्लासेस की बनाई है, तो रोशनी भी आती रहेगी। और ये दो चार टॉर्च लगाई है, इसकी जगह हम जैको लैंटर्न लगाएंगे। और ये कौन सा बच्चा पैदा हो रखा है यहाँ पे अकेशिया में? अरे ये देखना, आधा अकेशिया और आधा वो ब्लैक। अच्छा इन्होंने ना यहाँ पे आके ब्रीडिंग कर दी होगी, ये बच्चा उधर ही पैदा हो गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजा भाई आज का गोल बता दो भाई। हाँ तो देखो गाइस, अब हमारे पास देखो तीन बच्चे भी हैं, इधर तीन बड़े भी हैं, तो अब हम इन तीन बड़ों के साथ जो करेंगे, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा वो रूड होगा बट ठीक है, वो करना पड़ेगा क्योंकि हम बनाने वाले हैं आज आयरन फार्म। तो ये तीन तो जाएंगे आयरन फार्म में, और ये जो तीन बच्चे हैं ये आगे अपना संसार खड़ा करेंगे। Yes, तो आज हम आयरन फार्म बनाएंगे, और उसके लिए बता दे भाई क्या क्या हमको सामान इकट्ठे करने। और ये जैसे कि आप यहाँ पे हमने बेड के चारों ओर ये स्टेयर वगैरह कुछ लगाया है, और अगर आपके पास भी कोई बेड को मतलब अपने घर को सजाने के लिए कुछ आइडिया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और भाई आज अब बता दे यार, अब क्या क्या सामान इकट्ठे करने चलते भाई। सामान तो बहुत सारे इकट्ठा करना पड़ेगा, तू एक काम कर, मैं ना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ पे बनाने वाले हैं। हमने इधर की साइड बनाने वाले हैं अपने घर के पास, क्योंकि आयरन फार्म फिर चलता ही रहेगा जब भी हम लॉगिन होंगे। अगर हम दूर बना देंगे, वो रेंडर नहीं हुआ हमारे चंक्स में, फिर वो चलेगा भी नहीं, तो वो दिक्कत हो जाएगी उधर। तो हम अपने घर के पास ही बना रहे हैं, इस जगह पे जहाँ पे मैं पेड़ काट रहा हूँ। तो अभी मैं अर्णव को भेज रहा हूँ। अर्णव भाई तू एक काम कर, तू स्टोन ब्रिक्स के ना स्लैब्स ले आ, कम से कम 3-4 स्टैक, जब तक मैं ये एरिया भी क्लीन कर दूंगा। स्टोन ब्रिक्स या स्टोन? स्टोन ब्रिक्स ला भाई, स्टोन ब्रिक्स अच्छे लगते हैं। और जो बिल्ड हम बनाएंगे ना गाइस, वो हम बनाएंगे थोड़ा सा हम वुड और वुड से बना देंगे। हाँ वुड से। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने एक स्टैक और 52 कोबलस्टोन इकट्ठा कर लिया, और बाकी मेरे घर में भी कुछ पड़ा ही है, हमारे घर में भी कुछ पड़ा ही है। तो अभी फटाफट चलते हैं अपने घर की तरफ को। अरे ये अपना घर, अरे सेम है ना, तो मैं थोड़ा वहाँ जा रहा था, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम आ चुके हैं फटाफट से, अब बस इनको हमको उसके लिए करना है। भाई फ्यूल है थोड़ा? भाई फ्यूल व्यूल का तो मुझे पता नहीं है, वैसे फ्यूल यार लास्ट टाइम भी हमने कैल्प से जुगाड़ करा था। मैंने सारे कोबलस्टोन तो अभी चेस्ट में डाल दिया है, यहाँ पे देखता हूँ कुछ फ्यूल पड़ा है, यहाँ पे भी 20 पड़ा है अभी वो करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं फटाफट से फ्यूल लेके आता हूँ। इधर आ, उड़ उड़ उड़। ओए ओए मेरे को मार नहीं रहा तो, आ मार कैसे नहीं रहा ये? अबे कहाँ जा रहे भाई? आयरन गोलम मार ही नहीं रहा है मुझे, जबकि मैंने उसे स्पॉन भी नहीं करा। तो गाइस यहाँ पे मैंने 40 कोल यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, अब बाकी का पता नहीं, मेरे को लगता है इतना यूज आएगा, तो अभी 40 इकट्ठा करा है, 40 में ही अभी वापस चलते हैं घर की तरफ को। अभी उसने भी पता नहीं बहुत कुछ इकट्ठा कर ही लिया होगा, काम तो वो कर ही रहा था। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे अपने घर पे आ चुका हूँ, अब यहाँ पे फटाफट से चलते हैं और कोल और कोबल स्टोन को फटाफट से यहाँ पे फर्नेस में, यहाँ पे कैल्प निकालो यार, फर्नेस में डाल देते हैं। अन्ना भाई कुछ करा तुमने? हाँ भाई मैं स्टोन वगैरह ले आया हूँ, कोबलस्टोन लाया हूँ, तो बस इसको फर्नेस में डाल रहा हूँ स्टोन ब्रिक्स बनाने के लिए। ओके भाई डाल दे भाई, मैं यहाँ पे देख काफी एरिया क्लीन कर चुका हूँ, मेरे पास ना सारी डर्ट खत्म हो गई है, अब उसका मेरे को काम करना पड़ेगा, डर्ट थोड़ी खोद रहा हूँ इधर से। और अभी बता भाई क्या करना है, स्टोन तो हो रहा है उसकी दिक्कत नहीं है? स्टोन हो रहा है ना, जब तक तू जाए थोड़ी वुड वगैरह काट ले, क्योंकि वुड की भी जरूरत होगी, थोड़े होपर्स वगैरह बना ले। कौन सी वुड भाई? भाई देख चेस्ट वगैरह भी चाहिए होगी हमको, वो फेंस गेट्स भी चाहिए होंगे,
तो काफी चीजें चाहिए होंगी, मतलब इकट्ठी कर लेती हूँ। फेंस चाहिए भाई, ये लो फेंस, गेट चाहिए होंगे, फेंस भी तो चाहिए होंगे, पता नहीं यार अब वो फेंस चाहिए तो ये रहना इसका बेकार, तो दोनों बना के रख ले यार, मुझे भी ऐसे सामान नहीं पता पूरा। हाँ मैं फेंस देता हूँ, इसके बेकार सा इसका घर है, चार और फेंसिंग कर रखी है इसने, बेचारे का घर तोड़ दिया तूने भाई, खोखला कर दिया भाई यार, वो बेचारा है भी नहीं दुनिया में, खोखला कर दिया भाई। पता चले जो अंदर है उनमें से कोई एक हो, हाँ होगा तो मजा आ जाएगा। क्या मजा आएगा, वो वापिस उड़ जा पाएगा अपने घर, मतलब जो भी है। तो गाइस यहाँ पे मैंने 30 वुड और 30 फेंस तो इकट्ठे कर लिए हैं, और मेरे पास कुछ प्लैंक्स और भी पड़े हैं, बहुत होंगे, इनफ होंगे मेरे हिसाब से तो इतने। और भाई कहाँ पे है? मैं भाई एरिया ही क्लीन करने में लगा हूँ, ये बहुत बड़ा एरिया था, थोड़ा बहुत तो क्लीन कर दिया, बाकी अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिल्ड स्टार्ट करूँ बनाना। हाँ फटाफट स्टार्ट कर भाई, ये देख मैंने ये कुछ इकट्ठा करा है, अब फटाफट से स्टार्ट। एक काम कर, ये सामने वाली चेस्ट में डाल दे, ये वाली दिखा तू मेरे को, वुड दे, मैं ना बिल्ड स्टार्ट। अरे प्लैंक्स पड़े हैं थोड़े, मैं बता रहा हूँ देखो, चार फेंस गेट, तीन बेड इकट्ठी कर ले, चार फेंस गेट और चार साइन इकट्ठी कर ले, जब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, ठीक है? ओके भाई तू कर स्टार्ट कर। तो गाइस सबसे पहले ये आयरन फार्म बनाने के लिए हमको 9x9 का एक पेरीमीटर बनाना पड़ेगा, तो मैं वो जल्दी से बनाता हूँ, 7, 8, 9। अब इनको गिन के मेरे को आगे 8 लोग जाने, वैसे अगर इसको नहीं गिन रहे तो 9। अब ये जो हमारी बनी है आउटलाइन, इसको जोड़ देना है, तो ओके तो गाइस मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है अभी। तो गाइज अभी हमें ना एक साइड से इसको लेके इधर से ऐसे, मतलब अगर आप इधर दो ब्लॉक छोड़ दो और इधर खींच दो, 1, 2, 3 ब्लॉक ऐसे करके, ये 3 ब्लॉक खींचने के बाद एक ब्लॉक और खींच के हमको इधर लेके जाने पड़ेंगे पूरे इसको गिन के 8 ब्लॉक, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 8 ब्लॉक ऐसे आएगा और फिर हमने को इसको बस ऐसे जोड़ देना है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अन्ना भाई तू एक काम कर, तूने इकट्ठा कर लिया सामान? हाँ वो मैंने 4 फेंस गेट और 1.5 के 2 स्टैक स्टोन ब्रिक्स। तू जा जब तक काम कर, मैंने जो बोला डर्ट इकट्ठी कर और इसका एरिया फ्लैट कर। कौन सा एरिया भाई? इधर से ये जो है ना, ये थोड़ी मेरे पर डर्ट की कमी पड़ गई थी, अंदर पड़ी तो थी वो भी उठा ली, सारी यूज कर ली है। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे अब ना मुझे स्लैब का काम करना है, तो यहाँ से जो ये स्टोन ब्रिक्स है इन सबको मैं उठा के स्लैब्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे स्लैब चाहिए होंगे तो मैंने सबको ही कन्वर्ट कर लिया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझ आ जाएगा आराम से। इधर से हमको एक साइड से ना ऐसे 2 स्लैब लगाने हैं और उसके बाद इसको गिन के हमको पूरे 20 स्लैब लगाने हैं, तो 2, 19, 20। यहाँ से 20 लगाने के बाद हमको इसको गिन के 19 स्लैब लगाने हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये 19 स्लैब्स मैंने लगा दिए हैं, अब ये 19 स्लैब लगा दिए, अब दोबारा से जितने उधर लगाए थे 20 स्लैब लगाने हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ से 20 स्लैब लगाने के बाद अब इधर से लगेंगे 8 स्लैब लगेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 8 स्लैब लगाने के बाद हमको इसको पूरा स्लैब से ऐसे ढक देना है अच्छे से, तो बस वो 2 मिनट में ढक के आता हूँ। One eternity later. तो गाइज यहाँ पे मैंने ये काम तो कंप्लीट कर दिया है, अब मैं इसके आगे का अभी आपको बताता हूँ। तो गाइज अब हमको ना ये जो हमने बाउंड्री बनाई थी इसको बस एक ब्लॉक हाई कर देना है, जैसे ऐसे 1, 2। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको एक ब्लॉक हाई भी कर दिया है। अब गाइज जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको 2 ब्लॉक हाई तो कर दिया है, अब हमको जो ये वाला छोटा वाला कंपार्टमेंट है ना, इधर मेनली हमारे आएंगे विलेजर्स, तो हमको इसको एक ब्लॉक हाई और करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको हाई कर दिया है, तो गाइज अभी ना हमें इसको इधर से 2 ब्लॉक छोड़ के इधर ऐसे लगा देना है और इसको ऐसे हाई कर देना है 2 ब्लॉक्स तक का, ठीक है?
गाइस थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो इधर हमको ना एक ब्लॉक को छोड़ देना है, इधर टाइप ऑफ विंडो टाइप बनानी है हमें, तो ऐसे विंडो बना देनी है, क्योंकि इधर हमारा आएगा ज़ोंबी, इधर आएंगे हमारे तीन तीन विलेजर्स, जो ज़ोंबी होगा वो इन विलेजर्स को ना मेनली मतलब ऐसे डराएगा, जिससे वो डर के इधर आयरन गोलम स्पॉन करेंगे, और ये हमने जो स्लैब लगाए ना वो इसलिए लगाए हैं ताकि आयरन गोलम बाहर की तरफ स्पॉन ना हो जाए, क्योंकि इधर ना हमारा आयरन गोलम का किलिंग चैम्बर टाइप बनेगा। तो अर्णब भाई बेड ले आया तू? हाँ भाई मैं यहाँ पे बेड तो आ गया हूँ, लेके तीन बेड ले आया ना। अरे भाई डाइव ही कर दिया तूने इन बेड को, क्या बात है? इनका उठा के लाया तो क्या नाचो मैं? यार क्या बंदा है। अरे मैं गिर गया भाई, पर आते यार पानी की बकेट नहीं है, अभी बन जाएगी। हाँ अभी बन जाएगी, चल आ जा फटाफट से ले बेड लगा दे। देखा अबे तू तो तीन लाया ना, तीन बेड ही तो चाहिए। तो अभी इधर ऐसे आपको इसी फेस में तीन बेड लगा देने हैं, और उसके बाद विलेजर्स को लाने ना, देख बहुत आसान है, मैं सिखाता हूँ तेरे को। कैसे लाएगा? सबसे पहले तो यहाँ से ये ब्लॉक तोड़ दूंगा। एक बार उतर 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 बोर्ड से उतर, देख बैठेंगे धक्का दे किसी को बोर्ड के ऊपर, चारों ही ना बैठ जाए। अरे बैठ गया यार। वो भी मैं कह रहा था, अब तुम हट जाओ भाई, दूर हो जाओ। ये इसको देखिए, इसको कहाँ जाने? जान दे जान दे, जाइयो जाइयो, देख रहे हैं दोगले पंती, देख रहे हैं। बैठ जा फिर, रुक जा मैं कि एक को उठाओ इसका बेड, रुक जा भाई मैं ला रहा हूँ, बाहर ला रहा हूँ। बैठ जा, अरे बैठ गया, अब मैं उठाई हूँ किसी को। नहीं गोला मैं मार दूंगा तेरे, दूर हो जा यहाँ से। ऊपर कैसे लेके जाएंगे, मैं सो जाऊं? अरे ये भी तो है, अरे नहीं मत सो मत सो, अरे बेड से लेके जाएंगे, बेड से लेके जाएंगे भाई। तू बेड लगा, ये ऐसे कैसे नहीं जाएगा, तू बेड लगा भाई, ज़ोंबीज क्रीपर वगैरह आ जाएंगे। तू बेड लगाना, तू जल्दी आना फिर, तू बेड लगा बस एक बार यहां पे, रुक जा रुक जा रुक जा, ऊपर ही बेड लगा दे भाई, ये ले बेड लगा दिया, रुक जा मैं वहां के सारे हटा के आऊं, मैं अपने घर के भी बेड तोड़ रहा हूं। अरे मैंने बेड लगा दिया, तू तोड़ बोर्ड तोड़। अरे यहां तो सारे सो ही रहे हैं, यहां पे जरूरत नहीं है, बोर्ड तोड़, बोर्ड तोड़ रहा हूं, तोड़ दे, जाएगा ऊपर ही, कहां जाएगा, कहां जाएगा, तो ऊपर ही, देखो देखो ऊपर जा रहे गाइस, ये ऐसे लेके आते हैं विलेजर्स को। आ जा अब वो बेड तोड़ दे अर्णव, चल बेटा वो बेड तोड़ दे यहां पे, आ जा आ जा आ जा आ जा, अरे अरे इधर ना, जाओ 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 उस वाले पे, अरे वो खुद ही जा रहा है। अब बेटा सुनो, ये यहां पे है, यहां पर हां तुम आराम से आ जाओगे, आ जाओ खुद जाओ, अरे क्या बात, अरे बाबा बढ़िया भाई, एक और को लाते हैं, एक और को ले आते हैं फटाफट से, बहुत ही बढ़िया गाइस, ऐसे विलेजर्स को लाते हैं। अर्णव का मुझे बस एक टेक्स्ट आया कि भाई मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, बट मैं तो सर्वर में घुस गया हूँ, तो अभी पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा आने में, तो अभी मैं तो फार्म कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अभी हम विलेजर तो ले आए हैं इधर, और अभी इसके आगे ना मेरे को ये पूरा ऐसे कवर कर देना है, लेकिन उससे पहले टॉर्च मारनी है, तो मैं पहले टॉर्च मार दूं। अभी ना हमको बस ये कवर नहीं करना, पूरा ही कवर कर देना है ये, बस ये जगह इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हमको ना इधर ज़ोंबी लाना पड़ेगा, और ज़ोंबी कैसे लाएंगे हम, मैं तो अभी वो सोच रहा हूं कि कैसे लाऊंगा ज़ोंबी में। तो गाइस अभी ना मुझे फेंस गेट की ज़रूरत होगी इधर लगाने के लिए, तो मैं जल्दी से फेंस गेट ले लेता हूँ, इस चेस्ट में रखा था अंडर में, हाँ इधर है ना फेंस गेट, बस ये काम कर जाए यार हमारा फार्म। एक दो इधर से, ये आपको इधर ना दो ब्लॉक ऐसे गिन के ऐसे एक लगाने, ऐसे ऐसे ऐसे, और इनको फिर खोल देना करके, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमको पानी कैसे डालना है, हमको एक तो इस कॉर्नर पर पानी डालना है, फिर एक इस पर, एक इस पर, ऐसे चारों कॉर्नर्स पर पानी डालना है, तो मैं जल्दी से बस ये पानी बार बार उठा उठा के इधर डालता जाऊंगा। अब ना हमको इधर से नीचे जाना है, पूरा 21 ब्लॉक जाना है,
तो गाइस यहां पे मेरे को अर्णव ज्वाइन दिखा रहे हैं। हेलो अर्णव, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हां भाई, मैं आ गया भाई वापस। कहां पे है? अरे भाई फाइनली तू आ गया भाई। देख मैंने काफी काम कर दिया। अरे यार बहुत बड़ी दिक्कत हो गई गाइस, इधर पूरा पानी ही पानी है। ये कर दिया क्या इसने इतनी जल्दी? चल भाई कहां पे है यार? देख एक बार नीचे कूद इसमें से गड्ढे में। नीचे कूद जाओ। हां भाई पानी है वो। अभी मैं माफ करता। आय आय। अब मैं देख भाई इधर तो पानी है, अब इधर किलिंग चैम्बर कैसे बनेगा? यहाँ पे कितने वो करने हैं तेरे को? करने पड़ेंगे यार 5-6 तो अंदर। अरे 21 करने थे ना? हाँ 21 हो गए। तो 21 हो गए ना, बस यहाँ बंद कर जगह। नहीं फिर नीचे अभी होपर वगैरह चेस्ट वगैरह भी तो लगेगी। अरे वो सामने लगेगी, यहाँ इधर है ना पानी, तो हम वो लगाएंगे इधर। चल कोई नहीं। अरे यहाँ पे लगाएंगे। चल थोड़े बहुत अब ना इधर थोड़ा रूम टाइप बना दे। A few moments later. चल भाई रूम बन गया, इतना इनफ है अभी के लिए, बाद में देख लेंगे। एक थोड़ा और भाई, इतना रूम काफी होगा ना इनफ? हाँ हाँ बहुत है अभी के लिए तो। ये जाएगी ऐसे। अब भाई होपर चाहिए। अरे होपर कहाँ से आएगा? होपर के लिए तो आयरन चाहिए, आयरन है नहीं। भाई क्या पता आयरन गोलम आ गए हो ना, हमने बनाया तो अभी नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने अर्णव को भेजा था आयरन के लिए, पता नहीं वो ला रहा होगा कि नहीं। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, उसने आपको बता ही दिया होगा कि उसने मेरे को भेजा था आयरन के लिए। तो मैंने यहाँ पे 19 आयरन इकट्ठा करा, इसी केव से करा, ज्यादा दूर नहीं गया, यही थोड़ा पास थी तो मैं अंदर गया था, तो मेरे को आयरन वगैरह तो मिल ही गया था। अभी फटाफट से चल लेते अपने विलेज में और उसको जाके ये सब दे देते हैं। अरे ये रहा भाई। हेलो। अरे हाँ भाई ये ले आया। हाँ मैं 19 लाया। अरे भाई मेरे पास एक मस्त आइडिया है कि हमने इनको कैसे पकाएंगे। देख फ्यूल हमारे पास कम है ना, हम इस लावा बकेट से पका देते हैं इनको। आजा हाँ। इसमें देख सबसे ऊपर वाली में, देख सबसे ऊपर वाली बकेट ले ली हमने, अब वो पकता रहेगा जब तक। भाई तूने साइन बोर्ड बनाए थे क्या? ना बना ले। साइन बोर्ड बना दे भाई। मैं बनाऊँ क्या? अगली रात गाइस ये वाली रात ना हम अभी सो जाएंगे, अगली रात हम ज़ॉम्बी भी जाएंगे। साइन बोर्ड कितने बनाऊँ? अरे अरे गाइस हाफर्ट, अरे बच गया भाई, क्लच नहीं हुआ यार। कितने साइन बोर्ड बनाऊँ भाई? 4 साइन बोर्ड बनाने हैं ना। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक और होपर बना लिया, फटाफट से चलते हैं अब इसके पास। आजा भाई। मैंने बना लिया एक और होपर। अब ना तू एक काम कर, ऊपर जाने का रास्ता बना दे, क्योंकि अब ऊपर भी जाना होगा ना। स्टेयर बनाऊ? स्टेयर नहीं, वो बना लैडर वाली सिस्टम। अभी ना थोड़ा जल्दी से काम करना है मेरे को, इधर लावा डाल के इधर फटफट से ग्लासेस लगा देने हैं। तो मैं इसको अपने रख देता हूँ, इसको सेकंड पे रख देता हूँ एफ करके, और मैं शील्ड को ये, ठीक है? तो ये लगाया मैंने, ओके। तो गाइस हो गया है, इतना काम कर लिया। तो अब हमारा जो ये आयरन फार्म है ये ऑलमोस्ट डन है, बस ये ऊपर जाने का एक बार सिस्टम बना दे अर्णव, फिर मैं ऊपर जाऊंगा। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, मैंने ये रास्ता तो पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक लाइन और कर लेंगे इन फ्यूचर, वो अंदर का तो हम ऑफलाइन करते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बस फटाफट से हम अब लाएंगे सीधा ज़ॉम्बी। तो गाइस अभी मैं AFK था थोड़ी देर, जब तक अर्णव बना रहा था ये सामान, तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। इसने रास्ता कैसा बनाया, ये अजीब सा रास्ता। हाँ भाई आ गया, देख मैंने ऐसी रास्ता बना अभी खेले तो, वरना अंदर खुल रहा था। अब रात तो हो ही चुकी है, फटाफट से ज़ॉम्बी को ले आते हैं भाई। अभी देख हमको ना ज़ॉम्बी को लाना है, तो मेरे को उधर सामने ज़ॉम्बी दिख भी रहा है और भाग भी रहा है। अरे बाबा दिख गया। इसके हाथ में कुछ नहीं है, इसके हाथ में कुछ दे जल्दी। अरे रुक ना, इसको ना इसके अंदर बिठाना है कुछ ना कुछ करके, इसको थोड़ा ऐसे लगा देना बस। जा तू उधर खड़ा हो जा, अंदर जा अंदर जा, अंदर जाके खड़ा हो जा। अरे अबे बोट में बिठा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसके हाथ में कुछ जाएगा? अबे छोड़ अब, कोई अब जरूरत नहीं है ना। अरे हटेगा ना, बंद करने दे भाई। ओ अबे क्रीपर क्रीपर, अरे अरे बाबा कुछ गया गाइस। देखो काम करने गिर गया, देखो आयरन कॉलम जा रहे नीचे, लेकिन वो जा नहीं पाएगा, वो जा नहीं पाएगा यार। अबे यार काम भी कर रहा है यहाँ पे स्लैब फटाफट लगा, यहाँ क्रीपर आया भाई फट गया था वो, पता है मुझे यार क्रीपर एकदम। स्लैब यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी एक कम है। एक मिनट रुक, बस अंदर का ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा मुझे, इसको ना लग जाए बंदे को। तो गाइस अभी ना ये दो गोलम ना हमारे बाहर स्पॉन हुए थे, तो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया बाउंड्री को अपनी, कि अंदर हो स्पॉन। अब एक गोलम तो हुआ था ना स्पॉन। हाँ भाई अभी एक अंदर स्पॉन हुआ है, अब एक और का देखते हैं, अगर एक और हो जाए ना फिर फाइनल हो जाएगा कि अंदर। अरे हो रहा है,
चलो गाइस फाइनली अपना ये फार्म एकदम कंप्लीटली काम कर रहा है। गाइस इधर 15 आयरन भी आ गए हैं तो हमारा काम तो हो गया है अभी आयरन फार्म का जो हमने आज सोचा था। तो चल भाई अन्ना आजा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो कि मजा ही आ गया तो कर देना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर। तो चलो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।